हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11। अब तक के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास एंड वॉल्यूम पढ़ लिया था। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। इस वर्ड को आपने पहले भी कभी सुना है शायद। क्या आपने इस वर्ड को पहले कभी सुना है? 9th क्लास में सुना है, 8th क्लास में शायद सुना होगा डेंसिटी। तो क्या होता है इस डेंसिटी का मतलब एक्चुअल में? सो डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज दिट फॉर्मूला? फॉर्मूला तो मैक्सिमम लोग बता पाएंगे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। बट ये फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, इससे हमें पता क्या चलता है? जैसे मास से मैंने कहा कि क्वांटिटी पता चलती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता चलता है कि कितना क्वांटिटी है वो सब्सटेंस। वॉल्यूम से वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो पता चलता है। तो ये डेंसिटी हमें क्या बताता है? आपको क्या लगता है कि डेंसिटी से हमें क्या पता चलता होगा? हाँ, कोई आंसर नहीं। ओके, चलो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमारे पास में सेम वॉल्यूम के तीन कंटेनर है। मतलब आप डायग्राम में अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन सपोज मेरे पास तीन कंटेनर है सेम वॉल्यूम के, कि इनका वॉल्यूम सेम है। कोई भी ले सकता हूँ मैं, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है, मैंने तीन कंटेनर लिए सेम वॉल्यूम के, बात क्लियर है। उसके बाद क्या किया, इसमें हर एक में अलग अलग सब्सटेंस डाला। मतलब एक में तो मैंने सपोज सॉल्ट डाल दिया, पूरा फिल कर दिया सॉल्ट, इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स रहेंगे ऐसे पूरे। इसमें सॉल्ट डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया, तो वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। हमने मैटर में देखा कि पार्टिकल्स एकदम पास पास नहीं होते। और उसके साथ में थर्ड वाले में मैंने कोई गैस ले ली, मतलब मेरे पास था LPG ऐसा कुछ सिलेंडर, तो उससे चलो मैंने LPG ले ली। यहाँ पर तो LPG के पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही दूर दूर होते हैं, दिख रहा है? अब देखो तीनों सब्सटेंस का वॉल्यूम सेम है। मैंने तीनों में, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम था, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब। लेकिन पहले वाले में देखो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, या पार्टिकल्स की सिर्फ हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे मैक्सिमम है, पहले वाले कंटेनर में मैक्सिमम है, क्यूब मैक्सिमम है। बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज, सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज पास पास में अरेंज रहते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा ना वो पुराने लेक्चर्स में मैटर के। तो देन उसके बाद सेकेंड वाले में लिक्विड है, वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो उनके बीच में ज़्यादा गैप है और सेम वॉल्यूम में कम पार्टिकल परसेंट। देखो अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो अराउंड 10-20 कुछ 20 होंगे अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं काउंट करता तो सपोज 20 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ कितने आ रहे हैं, 9 पार्टिकल्स, और यहाँ पर अगर काउंट करो तो सिर्फ 4 ही पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने सॉलिड लिया था तो यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा थे, वॉल्यूम उतना ही था। सेकेंड वाले में वाटर लिया तो पार्टिकल्स कम हो गए, वॉल्यूम सेम है। थर्ड वाले में भी, थर्ड वाले गैस की कंडीशन में पार्टिकल्स कम है और वॉल्यूम सेम है। मतलब वॉल्यूम सेम हो रहा है लेकिन मास में फर्क आएगा। सी, पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो मास ज़्यादा होगा, ज़्यादा सॉल्ट मतलब ज़्यादा मास, कम पार्टिकल्स मतलब कम मास, और बहुत कम पार्टिकल्स है मतलब कम मास। मास किस पे डिपेंड करेगा? मास किस पे डिपेंड करेगा? जितने पार्टिकल्स होंगे उतना मास होगा ना। मास कैसे आता है? अपने आप मास बनता है क्या? किसी भी सब्सटेंस का मास कैसे बनता है? कोई भी सब्सटेंस का मास कैसे बनता है? अगर सपोज आपका बैग है, अगर पूरा खाली बैग लेकर जाओगे तो बैग का कुछ मास, बहुत कम मास लगेगा। उसमें एक रजिस्टर डालोगे तो थोड़ा मास आएगा, 10 रजिस्टर डालोगे तो थोड़ा और मास, 20 रजिस्टर डालोगे तो फट ही जाएगा बोलना बैग, नहीं फटता। आजकल के बच्चे तो 20-30 रजिस्टर तो कैरी करते हैं मेरे ख्याल से, है ना? 20 रजिस्टर्स कैरी करते हैं, 6 सब्जेक्ट्स, 12 रजिस्टर्स, 12 कॉपीज या 12 बुक्स, ऐसे कुछ तो नहीं करते, 10 तो करते ही होंगे। तो 10 रजिस्टर, तो जितने ज़्यादा बुक्स होंगे उतना ज़्यादा मास बढ़ते जाएगा। बैग वही था, रजिस्टर्स ऐड करते गए तो मास बढ़ते गया। वैसे ही वॉल्यूम सेम है लेकिन मास देखो डिफरेंस पड़ रहा है। तो फिर अगर हमें इनको कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? कोई तो क्वांटिटी होनी चाहिए कि देखो ये भी मैंने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया था, ये भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया था, एंड थर्ड वन ऑल्सो 1 मीटर क्यूब। तो इनको कंपेयर करने के लिए फिर हमने एक नई टर्म बनाई, डेंसिटी। इन्हें कंपेयर करने के लिए हमें नई टर्म, हम कोई टर्म क्यों बनाते हैं? कोई फिजिकल क्वांटिटी आती क्यों है? क्यों आती है? कोई ना कोई चीज़ पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए। तो इन तीनों को कंपेयर करने के लिए डेंसिटी का टर्म आया। बात समझ में आ रही है? तो डेंसिटी से हमें क्या पता चलेगा? देखो कि सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड का देखो पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत ज़्यादा आएगा। उसी उतने ही वॉल्यूम में अगर मैं लिक्विड लूँगा तो लिक्विड का मास कम आएगा, और उतने ही
वॉल्यूम का गैस लूंगा तो और कम आएगा, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी आ रही है, सॉल्ट की, मतलब सॉलिड। तो अगर हम डेंसिटी कंपेयर भी करते हैं तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी आती है नॉर्मली। हाँ एक्सेप्शन भी होते हैं कभी कभी, देर आर एक्सेप्शन एवरीवेयर, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा सॉलिड की डेंसिटी, देन लिक्विड की एंड देन गैस की। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम डेंसिटी से क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी से हमें क्या पता चलता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास मिल सकता है हमें, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई, कितना मास अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? इसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब अब ये तो हमें इसे, ये टर्म ही बनाया गया है हमें कंपेयर करने के लिए। ये टर्म किस लिए बनाया गया है कि सॉलिड को कंपेयर करें लिक्विड से, लिक्विड को कंपेयर करें गैस से, या किसी भी सब्सटेंस को कंपेयर कर सके। या जैसे एग्जांपल हम इसे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल अपने, मतलब हम व्हीकल्स में पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोल की डेंसिटी फिक्स होती है। डेंसिटी इज अ क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। हम डेंसिटी से चेक कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस मतलब प्योर है या इम्प्योर। हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स होती है। जैसे अगर प्योर पेट्रोल बोलेंगे तो उसका एक रेंज रहेगा, उतने रेंज मतलब प्योर है। अगर उससे चेंज हो गया, कम है या फिर ज़्यादा, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स की होगी, मतलब आपके पेट्रोल पंप वाले ने कुछ उसमें गड़बड़ किया होगा, ठीक है। या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड है, सॉल्ट है, शुगर है, कोई भी सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स होती है। फिक्स मतलब अराउंड उसका कुछ ना कुछ रेंज होता है, याद रखना, ठीक है। तो डेंसिटी विल गिव अस द प्योरिटी ऑफ और इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी विल अश्योर अबाउट द प्योरिटी। इसलिए हमें डेंसिटी पता होना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस की हम डेंसिटी से कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर। क्योंकि क्वेश्चन आता है ना कि हम ये डेंसिटी टर्म पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम है, फॉर्मूला पता है, सॉल्व भी करना आता है, मास एक पर्टिकुलर यूनिट में कितना होता है, ये होता है डेंसिटी। लेकिन इसका यूज़ क्या है? पहला यूज़ पता है कि इट इज यूज़ टू फाइंड आउट द प्योरिटी। कोई भी सब्सटेंस की प्योरिटी हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम चेक कर सकते हैं डेंसिटी से वाटर के साथ कंपेयर करके कि वो सब्सटेंस वाटर पे फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। आपने शायद पढ़ा भी है कि अगर डेंसिटी उसकी वाटर से ज़्यादा है तो वो वाटर पे सिंक करता है। टू चेक दैट इट विल सिंक और फ्लोट इन वाटर, हम इससे चेक कर सकते हैं। टू चेक द सब्सटेंस सिंक मतलब डूबना, सिंक और फ्लोट इन वाटर। अब वाटर में सिंक मतलब डूबेगा कब या फिर फ्लोट कब होगा, तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, अगर वो वाटर से ज़्यादा डेंस है तो वाटर के अंदर डूब जाएगा, अगर वाटर से कम डेंस है तो वो फ्लोट करेगा। तो वाटर की डेंसिटी पता है किसी को क्या होती है? 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू। तो वाटर की डेंसिटी हम लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, सीसी को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी या 1 kg/m³, दोनों सेम ही होता है उसके लिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब चलो इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम डेंसिटी का ऐसा यूनिट बोलते हैं तो क्या होगा ऐसा यूनिट? अब मास बाय वॉल्यूम है, मतलब ये तो फॉर्मूला हुआ। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। मास का ऐसा यूनिट है केजी एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इट्स ऐसा यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, याद रखना, इस ऐसा यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। बट कंडीशन है कि ये जो केजी पर मीटर क्यूब है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। केजी पर मीटर क्यूब इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, मीटर क्यूब मतलब बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए जब जनरली हम बात करते हैं या साइंटिफिक लेवल पे भी हम जब बात करते हैं डेंसिटी की, तो हम केजी पर मीटर क्यूब में नहीं बात करते, याद रखना, हम बात करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, वी टॉक इन ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, या सेंटीमीटर क्यूब को कभी कभी सीसी भी कहा जाता है। जैसे हमारे बाइक्स में हम सीसी बोलते हैं ना, 200 cc, 200 cc, 150 cc, सीसी यूज़ किया जाता है। तो दैट वर्ड इज एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब का मैंने इक्वेलेंट बताया था कल आपको, शायद 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml शायद बताया था मैंने कल। तो जो बाइक्स होती 100 cc की, तो उसमें 100 ml का इंजन होता है छोटा सा, 200 cc की होती तो 200 cc का इंजन, मतलब 200 ml का इंजन होता है उसमें। तो सीसी मतलब ml होता है एक्चुअली, छोटा सा इंजन होता है, ठीक है। दैट इज अबाउट डेंसिटी। बात समझ में आ गई? ग्राम पर सीसी, क्लियर है? ऐसा यूनिट समझ में आ गया, इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया, तो डेंसिटी हमें समझ में आ गई है। एंड इससे ही हम बहुत सारी प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं, मतलब डेंसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर प्योरिटी है चेक करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये पॉइंट? नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ पर पूरा आएगा नहीं, तो पहले इसको नोट करो, फिर हम टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पूरा आएगा नहीं इसमें, डेंसिटी में तो इससे ज़्यादा और कुछ बताने के लिए है नहीं। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम टेम्परेचर डिस्कस करते हैं।
ओके, तो डेंसिटी का समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर वर्ड बहुत बार सुना है हमने, और आई थिंक मैंने बीच के किसी लेक्चर में टेम्परेचर के बारे में भाषण भी दिया था कि व्हाट इज टेम्परेचर। आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट टेम्परेचर, व्हाट इज डिग्री ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ बताया था। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। टेम्परेचर बोलने से मतलब बहुत से जन कन्फ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। किसी को लगता है थर्मामीटर मतलब टेम्परेचर होता है, तो ये व्हाट इज दिस टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर से पता क्या चलता है एक्चुअली। सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे कि मैंने कहा कि एक सब्सटेंस है, मेरे पास एक बैग है, उसमें जो सामान है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अरे बाप रे इट्स टू हॉट, वो बहुत गर्म होगा। इट्स ऑब्वियस बोलेंगे ना कि वो चीज़ गर्म होगी। मैंने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस का है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि वो गर्म है। मतलब मैंने टेम्परेचर बताया और आपने बता दिया कि वो गर्म है। और अगर मैंने कहा होता कि मेरे बैग में जो सामान है वो सामान -5 डिग्री सेल्सियस का है, तो आप क्या बोलते हैं कि बहुत ठंडा है, कि ठंडा होगा। टेम्परेचर से मतलब हमें क्या पता चलता है, इट शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। सो टेम्परेचर ऑलवेज याद रखना, टेम्परेचर शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। या ठंडा या गर्म दोनों हमें पता चलता है इस एक टेम्परेचर से। टेम्परेचर की वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या फिर गर्म है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अगेन सेकेंड थिंग याद रखना, टेम्परेचर इज अ कंपेरेटिव टर्म। मतलब आप ऐसे दो चीज़ों को बता नहीं सकते कि ये ठंडा है गर्म है। मतलब अगर मैं आपको दो चीज़ ला कर दूँ, मतलब दो सब्सटेंस होंगे, तभी आप बता सकते हो कि हाँ ये गर्म है ये ठंडा है। जैसे मैंने बोला कि आज का जो वेदर है वो थोड़ा ठंडा है, तो आज का वेदर ठंडा है इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आज के वेदर को कल के वेदर से कंपेयर किया था या कभी और के वेदर से कंपेयर किया होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब टेम्परेचर इज अ कंपेरेटिव वैल्यू, हमेशा याद रखना। दिस वन टेम्परेचर जो भी हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ कंपेरेटिव वैल्यू। कि हम दो सब्सटेंस के टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपने शायद इसके बारे में आपने डिटेल में 7th में पढ़ा था, हीट चैप्टर था आपको 7th क्लास में आई थिंक, तो तब आपने पढ़ा था कि आप तीन ग्लास ले लो, एक में हम आइस रख देते हैं, एक ग्लास में हम नॉर्मल वाटर रखते हैं, और एक ग्लास में हम हॉट वाटर रखते हैं। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, चलो अगर मैं इन फर्स्ट टू को कंपेयर करता हूँ, तो इसमें हॉट कौन सा हुआ? ये हॉट हो गया और ये कोल्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये हॉट होगा और ये कोल्ड होगा। तो अगर कंपेरिशन ऑब्जेक्ट्स चेंज हो गए, तो हमारा हॉटनेस एंड कोल्डनेस भी चेंज हो जाता है। याद रखना, वो फिक्स नहीं होता। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि आज का वेदर ठंडा है, तो मैंने कल के वेदर के साथ कंपेयर किया होगा। सपोज दूसरा दिन मतलब नेक्स्ट डे टुमारो इज अगेन हॉटर देन टुडे, तो बोलूँगा आज का दिन गर्म है या ठंडा है। मतलब इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग टर्म, मतलब कंपेरेटिव टर्म है। बात समझो कि एक ग्लास में मैंने आइस लिया, एक ग्लास में नॉर्मल वाटर लिया, एक ग्लास में हॉट वाटर लिया, तो आप क्या बोलोगे अगर इन दोनों को कंपेयर किया, आइस एंड नॉर्मल वाटर को कंपेयर किया, तो कौन सा हॉट होगा? जो नॉर्मल वाटर है वो हॉट हो गया। बट अगर मैं नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर को मतलब बॉइलिंग वाटर को कंपेयर करता हूँ, तो कौन सा हॉट होगा? बॉइलिंग वाटर हॉट होगा और नॉर्मल वाटर क्या हो गया? अब ठंडा हो गया, जबकि वो पहले गर्म था। तो इस तरीके से कंपेरेटिव होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है उस बारे में कभी। इट इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की हम किसकी बारे में स्टडी कर रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक के? चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि हम टेम्परेचर को नोट किससे करते हैं। हमने फंडामेंटल यूनिट्स लिखे थे, उसमें टेम्परेचर क्या था? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम साइंटिफिक स्टडीज करते हैं, उसमें जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं, दैट इज इन केल्विन। किसमें करते हैं हम लोग? तो केल्विन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्केल, लेकिन जनरल डे टू डे लाइफ में जैसे इंडिया में मोस्टली वी डोंट टॉक अबाउट केल्विन। इंडिया में हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, वी टॉक अबाउट इन डिग्री सेल्सियस। तो हियर टेम्परेचर हम तीन तरीके से, मतलब फर्स्ट वील राइट अबाउट एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट तो केल्विन ही रहने वाला है। एसआई यूनिट क्या है इसका टेम्परेचर का? इस केल्विन। इट इज़ नॉट डिग्री केल्विन, याद रखना बच्चों कि इट इज़ केल्विन, ओनली के, नॉट डिग्री के। मैंने इसके पहले भी शायद आपको बताया था, इट इज़ केल्विन, इट इज़ नॉट डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब हमारे पास इसके तीन स्केल है, मतलब टेम्परेचर के हमारे पास तीन तरीके हैं। हम तीन स्केल से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो मेजर करने की वो टेम्परेचर के स्केल लिख लेते हैं, टेम्परेचर स्केल्स।
तो फर्स्ट स्केल है, चलो डिग्री सेल्सियस हम बहुत मानते हैं उसे इंडिया में, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकेंड हमारा है केल्विन, केल्विन सेकेंड नंबर पे हमारे पास केल्विन आता है, एंड थर्ड नंबर इज फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये तीन स्केल है। अगेन फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके सॉरी, फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन अकेला है, डिग्री नहीं है उसके साथ में, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि केल्विन के साथ भी डिग्री लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है तो शायद उसको भी डिग्री होगा, तो ऐसा नहीं करना है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज दिस वन छोटा सा जीरो एंड सी, केल्विन को सिर्फ के से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिग्री फ़ारेनहाइट को छोटा सा जीरो एंड एफ। बात समझ में आई इतनी? नाउ कन्वर्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्शन स्केल्स के लिए आपको वो फॉर्मूले में बोलेंगे, या फिर हाँ फॉर्मूले ही चलो हम बोल देते हैं उसको, फॉर्मूले के टर्म में हम याद करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को चलो बेस मानते हैं हम, बेस, उससे हम केल्विन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो पहला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ केल्विन के लिए, या इसके सामने लिखूँ, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं नीचे पहला, कि अगर कोई भी डिग्री आपके पास वैल्यू डिग्री सेल्सियस में हो, सपोज आपके पास कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, जैसे मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपने 9th में पढ़ा था, बट अब आप 11th में आ गए हो थोड़े हायर लेवल पे, तो 273 से काम नहीं चलेगा, 273.15 याद रखना है केल्विन, इसका आंसर जो आएगा वो केल्विन में आएगा, समझ में आ गया। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी इसमें, मतलब ये तो आपको याद ही करना है। क्या क्या याद करेंगे, कि अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस है, सपोज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में क्या आएगा, इसको 1 प्लस कर दो 274.15 केल्विन। अगर 3 डिग्री सेल्सियस है तो 3 प्लस कर दो 280.15 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी। नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट वाला, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, आपने पहले पढ़ा है 10th में इसका न्यूमेरिकल मैथ्स में, आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आएगा, या मतलब मैंने तो लिख दिया हूँ यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट, कि अगर डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है कोई वैल्यू, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दी हुई है तो डिग्री सेल्सियस आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, सपोज 1 दी हुई है, क्या दी है 1, तो 1 इंटू 9/5, तो 9/5 की वैल्यू आती है 1.8, एक्चुअली मुझे 1.8 प्लस 32 ऐसा याद है, लेकिन आपकी बुक में 9/5 दिया है, तो 1 इंटू 9/5 क्या होगा 1.8, 9/5 मतलब 1.8 प्लस 32, तो 33.5 फ़ारेनहाइट, नहीं समझ में आ रहा। हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके इन फॉर्मूले से केल्विन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं एंड फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो नॉर्मली इस पर क्वेश्चन आपको नहीं, मतलब ये 9th-10th का क्वेश्चन है तो नॉर्मली आपको इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने जरूर आता है, बात याद रखना कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसे यूज करके दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जरूर आता है, मतलब फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन होगा आपको दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो केल्विन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको फ़ारेनहाइट को पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप सॉल्व करते तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, ये 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉल्व करना आएगा इसको कैसे उल्टा करना है, तो अगर मुझे यही फॉर्मूले लिखने हैं उल्टे, मतलब अगर केल्विन को मतलब डिग्री सेल्सियस को लिखना है तो क्या आएगा, केल्विन माइनस 273.15, यहाँ पे प्लस हुआ था तो उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था इस साइड जाके माइनस हो गया, बात समझ में आ रही क्या, इसको मिटा देते हो कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और इसे सॉल्व करना है मुझे, इसमें डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या आएगा 32 इधर जाएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ये ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे 9/5 तो 5 मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड तो ये होगा 5/9, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, क्लियर है। तो ये तो बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताओ मुझे, या आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, कोई डिफिकल्टी इसमें किसी को भी परेशानी कोई नहीं, ओके ये तो हुआ हमारा जनरल टर्म। इसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं कि हमारा जो स्केल है डिग्री सेल्सियस का स्केल, या कोई भी हम स्केल बनाते हैं टेम्परेचर का, तो उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं वाटर को, किसको देते हैं वाटर को, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जब हम तीनों स्केल बनाते हैं, मतलब ये सपोज केल्विन स्केल है, ये सपोज हमारी ये थर्मामीटर बना रहा हूँ, आप अज्यूम कर लो कि ये थर्मामीटर है, मुझे उतना अच्छे से बनाना आता नहीं है, ठीक है, सपोज थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस का है, एंड इफ सपोज दिस इज फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तीन थर्मामीटर है हमारे पास में, एंड तो इसका बेसिस जो भी रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो डिग्री सेल्सियस का जो बेस रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
वाटर एंड एंड पॉइंट ज़्यादातर इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद में देखो, अब ये जीरो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से देखो जीरो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 273.15 आ जाएगा। केल्विन में क्या आएगा ये 273.15 केल्विन स्केल है, याद रखो। फेरनहाइट में करता तो ये जीरो हो गया, 32 फेरनहाइट आएगा वहाँ पर। ओके 100 की बात करते हैं तो 100 में इसमें डायरेक्ट 100 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 373.15। आपके बुक में दिया हुआ है वैसे, ठीक है। देन फेरनहाइट में प्रॉब्लम हो जाएगी, फेरनहाइट में करेंगे तो 100 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 1/8 × 100 हो जाएगा वो 1.8 × 100 180 प्लस 32 तो 212 आएगा, आई थिंक 212 आता है। तो यहाँ पे 212 फेरनहाइट, 212 डिग्री फेरनहाइट, समझ में आ रहा है। इसके बाद इससे ऊपर, जीरो से ऊपर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखो, जो टेम्परेचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो से ऊपर का टेम्परेचर होता है जो रूम टेम्परेचर, जो केमिस्ट्री में हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, चलो 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में भी बनाना पड़ेगा। तो केल्विन में देखो 273 प्लस करना पड़ता है 25, तो क्या होगा 25 प्लस करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 298.15, यहाँ पर आएगा 298.15 केल्विन। बात समझ में आ रही है? वहीं पर अगर फेरनहाइट करता हूँ तो देखो फेरनहाइट में क्या आता है, फेरनहाइट में आई थिंक 77 आता है फेरनहाइट में, या 77 डिग्री फेरनहाइट, तो 77 फेरनहाइट। और ये सेम है, हाँ ये लेवल सेम की बात कर रहे हैं हम, मतलब ये तीनों सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि तीनों को एक साथ कंपेयर करें। ऊपर नीचे हो गया गलती से, वो समझ जाएंगे आप लोग। एंड इससे भी जो इंपॉर्टेंट हमारा है, जो आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर चेक करके हम एंट्री अलाउ कर रहे हैं, मिलना जुलना अलाउ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, शायद आपने पहले पढ़ा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके तो इसको अगर मैं केल्विन में करता हूँ कन्वर्ट और फेरनहाइट में कन्वर्ट करता हूँ तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर से 273 प्लस 37 करना पड़ेगा, तो आई थिंक 310.15 आएगा, सॉरी 15। एंड फेरनहाइट में आएगा 98.6, क्योंकि अभी तो हमें सब पता ही, कोरोना की वजह से हमको पता ही 98.6 आता है ना, तो 98.6 इज इंपॉर्टेंट। 98.6 से ऊपर नीचे रहा तो फिर टेंशन आता है कि कोरोना तो नहीं है हम लोग को, है ना। ज़्यादा मतलब 1 डिग्री का चलता है फर्क, एक्चुअली 99 चलता है और 97 चलता है, लेकिन 99 के ऊपर गया तो प्रॉब्लम है और 97 से नीचे आएगा तो भी प्रॉब्लम, 97 के नीचे आए तो मोस्टली तो मर गए, मतलब बॉडी ठंडी कब होती है जब टेम्परेचर, मतलब हम जिंदा नहीं होते तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, अदरवाइज हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता, याद रखना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम, या मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस का भी फर्क नहीं होता हमारे बॉडी में, चाहे दुनिया में मतलब कितनी भी ठंडी हो आपकी बॉडी मेंटेन करती है। नहीं तो फिर अगर आप मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी का कब कम होगा, व्हेन यू आर गए तभी हमारा टेम्परेचर कम होता है, और बढ़ता कब है, व्हेन वी आर इल, मतलब हम बीमार है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। ओके तो बात क्लियर है, टेम्परेचर बहुत ही सिंपल टॉपिक था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस चेक करते हैं। इट इज़ अ कंपेरेटिव टॉपिक, मतलब कंपेरेटिव टर्म, कंपेयर से ही हम चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तीन जो स्केल है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरनहाइट, ये आपको लाइफ टाइम याद करना है। मतलब आप चाहे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। डॉक्टर्स को भी काम आने वाली है और इंजीनियर्स को भी काम आने वाली है, बात याद रखो। समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर इसको नोट करेंगे, एंड नोट करने से पहले क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है, क्लिक करके क्या नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, नोट करो इसको।